सब्सक्राइब कीजिए एक्सट्रीम हॉबीज चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक्सट्रीम हॉबीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न, तो वीडियो एंड तक देखिए और आप भी जानिए। कॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट कॉर्न, इसे मैंने 5 मिनट तक उबाल के लिया है, हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, नींबू, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, कॉर्नफ्लोर 3 से 4 चम्मच और तेल। अब हम सभी चीज़ें स्वीट कॉर्न में मिला लेंगे। तो सबसे पहले नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, हरी मिर्च, हरा धनिया, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, गरम मसाला पाउडर। अब इसको एक बार अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहे तो चाट मसाला भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए। स्वीट कॉर्न पर कॉर्नफ्लावर का कोटिंग अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर आपको ये मिक्सचर बहुत ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी मिला सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से मिक्सचर को रेडी कर लिया है। तो अब हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, इसलिए हम इसमें 1 स्वीट कॉर्न छोड़कर देखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से तेल गरम होने पर आप इसमें स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं। तेल अगर आप हाई फ्लेम पर गरम करके स्वीट कॉर्न डालेंगे तो स्वीट कॉर्न फूट कर बाहर आने लगेंगे, इसलिए इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करके लेना है। अगर स्वीट कॉर्न तेल में फूटकर बाहर आने लगे तो आप कढ़ाई पर एक प्लेट रख दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आप प्लेट रख दीजिए। तो अगर स्वीट कॉर्न फूटकर बाहर आने लगे तो प्लेट को टकराकर फिर से कढ़ाई में गिर जाएंगे। मैंने स्वीट कॉर्न को 5 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई किया है और अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्न अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल के लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी स्वीट कॉर्न फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएंगे, इसलिए बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं और अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप इसमें फिर से लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालकर इसको एक बार अच्छे से मिक्स कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल के लेंगे। ये देखिए, क्रिस्पी कॉर्न रेडी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।